एक वो रोड के सामने मरा हुआ पड़ा था। अभी एक हफ्ता हो गया हमने नॉर्मली ये चीज़ें नहीं, हमें लगा कि होता है कि बारिश वगैरह हुई है, सर्दी की वजह से मर रहे हैं। फिर जब ये इधर भी है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू है इधर आपके भी पड़े हुए ना, तो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी है। जी हाँ, एक्चुअली हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे जो चीफ साहब हैं उनको इन्फॉर्म किया गया था कि कुछ जो बर्ड्स हैं यहाँ पे कुछ उनकी मोर्टलिटी हुई है काफ़ी तादाद में, तो उनकी डायरेक्शन पे हम यहाँ पे उनके सैंपल लेने के लिए आए थे। वैसे इतना कोई इशू डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उनमें मोस्टली जो इन्फेक्शन होती है वो सब क्लिनिकल होती है। तो बाकी हमने जो सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और हमने एक बर्ड भी कलेक्ट कर लिया है, तो वो हम जम्मू लैब में हम भेज देंगे। तो होपफुली जो इसका रिज़ल्ट है उसके आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या था। कितने दिनों के बाद ये रिज़ल्ट आता है, रिपोर्ट कितने दिन के बाद आती है? मोस्टली हम आज जो ये सैंपल है ये आज हम जम्मू में भेज देंगे, तो होपफुली एक दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं देखिए, अभी तो ऐसा कोई केस जो है वो सामने नहीं आया है, बट ये है कि अगर आपको एवियन इन्फ्लुएंजा से बचना है तो उसके मोस्ट प्रिकॉशन ये है कि मास्क आपको लगाना है, हैंड नॉर्मली आपको धोने हैं, जो कोरोना के लिए जो था ऑलमोस्ट वही है, पर इसमें ये है कि इसमें N95 मास्क जो है वो लगाना ज़रूरी है। पिछले कुछ दिन से ना हमने यहाँ देखे बहुत सारे कौवे बीमार हालत में देखे, जो उठ नहीं पा रहे थे या उनके पास भी जा रहे थे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल बीमार लग रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे कौवे मरना शुरू हो गए, तो हमने सोचा कि शायद सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हमने मीडिया में, नेशनल मीडिया में देखा कि ये कोई फ्लू आई है, तो हमने इमीडिएटली इस चीज़ की जो मैसेज हमने मीडिया ब्रदर्स जो थे उनको बताया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनके थ्रू उनको मैसेज कराया। तो अभी टीम आ रही है जो इनको आगे चेक करेगी बर्ड्स वगैरह को, और अभी बहुत सारे परिंदे यहाँ पे जो मरे हुए हैं और मैक्सिमम से क्रोज हैं। सर, क्या आपको लगता है जिस तरह के सिम्टम्स बताए जाते हैं बर्ड फ्लू के, क्या उसी तरह से लगते हैं? बिल्कुल, इससे पहले तो हमें वही था कि सर्दी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब टीवी में हमने देखा, डिफरेंट चैनल्स में देखा कि ये सिम्टम्स हैं, बर्ड्स बिल्कुल उड़ नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल एक आधी बेहोशी की हालत में है, तो वैसे ही सिम्टम्स अभी दिखे। और बहुत सारे केस आने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये वही चीज़ लग रही है हमें। राजौरी के 5 रिंची एरिया में लगभग कितने ऐसे बर्ड्स होंगे जो मर चुके हैं? एग्जैक्टली नंबर तो बताना मुश्किल है, लेकिन इस टाइम भी अगर आप चेक करेंगे तो 7-8 परिंदे तो इधर अभी इनकी बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लगभग ये आर्मी का एरिया है और भी साथ में सिविलियन है, तो कितना खतरा होगा? खतरा तो है जी, खतरा तो है, इसीलिए हमें लगा कि हो सकता है कि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इससे पहले कि आके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आके देखे और जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं हमें बताएं क्या करना। कि कल रात देर रात जो है एक सोशल मीडिया पे एक जो है एक पोस्ट किसी ने डाली थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ बर्ड्स जो हैं मरे हुए पाए गए हैं यहाँ पे
किसी एरिया में, और उस जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसका नंबर भी शेयर किया गया था। तो मैंने मॉर्निंग में उससे बात की, उसने कहा हाँ कुछ बर्ड्स यहाँ पे जो है मरे हैं, और इमीडिएटली मैंने जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को वहाँ पे डिप्यूट किया है, और कंसर्न डिपार्टमेंट की जो टेक्निकल टीम है वहाँ पे मौके पे गई हुई है। अभी तक उनका जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी मौत का कारण क्या है। मैं कुछ नहीं कहता, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जब बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आएगी कि ऐसा है कि बर्ड फ्लू में है, उसके बाद जो फर्दर कोर्स है।